लुधियाना पंजाब का सबसे ज्यादा आबादी वाला और सबसे बड़ा शहर, उत्तर भारत का एक मेजर इंडस्ट्रियल हब लुधियाना, जिसको वर्ल्ड बैंक ने 2009 और 2013 में बेस्ट बिजनेस एनवायरनमेंट में रैंक किया। लुधियाना जहां इंडस्ट्रियल गुड्स, मशीन पार्ट, ऑटो पार्ट, हाउसहोल्ड अप्लायंस और गारमेंट्स की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है। लुधियाना जो एशिया का सबसे बड़ा बाइसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग हब है और जो प्रोड्यूस करता है मोर देन 15% ऑफ इंडियन बाइसाइकिल, जहां मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू जैसी कंपनी के पार्ट बनाए जाते हैं, वो है लुधियाना। पंजाब के टैक्स में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन भी लुधियाना करता है। लुधियाना पर बढ़ते हुए जनसंख्या के दबाव को देखते हुए वर्ष 2007 में दिल्ली मेट्रो की तरफ से लुधियाना को लुधियाना मेट्रो का प्रपोजल दिया गया था, जिसमें पंजाब स्टेट गवर्नमेंट ने एस्टिमेटेड 30 बिलियन इंडियन रुपीज का खर्च बताया था। डीएमआरसी ने उस वक्त लुधियाना मेट्रो के दो रूट प्रपोज किए थे, जिसमें पहला कॉरिडोर 15.798 किलोमीटर का था और उसमें 14 स्टेशन थे, और दूसरा कॉरिडोर 13.035 किलोमीटर तक था जिसमें 13 स्टेशन थे। पहले पंजाब मेट्रो रेल कॉरपोरेशन पीएमआरसी को इस्टेब्लिश किया गया था इस प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूट करने के लिए। वर्ष 2012 के 17 जुलाई को पंजाब चीफ मिनिस्टर प्रकाश सिंह बादल ने इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया था पीपीपी के अंडर, और उसके बाद वर्ष 2012 में ही 2 सितंबर को डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुखबीर सिंह बादल ने लुधियाना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर को अपॉइंट किया था एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ लुधियाना मेट्रो। इस पूरे प्रोजेक्ट के रूट और खर्च पर तेजी से काम हुआ, जिसमें 12 किलोमीटर मेट्रो अंडरग्राउंड और बाकी जमीन के ऊपर अप्रूव की गई। अब सवाल आता है, आखिर 2012 से आज 2022 तक आखिर ये प्रोजेक्ट पूरा क्यों नहीं हुआ? पंजाब के इस महत्वपूर्ण शहर को मेट्रो की जरूरत 2012 के आसपास पड़ने लगी थी, फिर भी 10 साल बीत जाने के बाद आज भी लुधियाना के लोग मेट्रो की राह देख रहे हैं। असल में इस प्रोजेक्ट में कोई देरी नहीं हुई है, बल्कि ये पूरा प्रोजेक्ट ही कैंसिल हो चुका है, और उसकी सबसे बड़ी वजह जो निकल कर सामने आई है वो है फंड की कमी। जी हाँ दोस्तों, पैसों की कमी की वजह से ये पूरा प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया है, और तब से लेकर अब तक कोई भी मिनिस्टर इस मुद्दे पर बात करके खुश नहीं है। लुधियाना पंजाब का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है और यहाँ ट्रैफिक की समस्या हमेशा बनी रहती है, फिर भी किसी अधिकारी का ध्यान इस प्रोजेक्ट की तरफ नहीं है। असल में इस प्रोजेक्ट में जो पर किलोमीटर खर्च आना था वो 1.75 बिलियन फॉर एलिवेटेड ट्रैक एंड 3.25 बिलियन फॉर अंडरग्राउंड। दोस्तों पंजाब ना कोई गरीब स्टेट तो है नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि फंड की ऐसी क्या कमी आई जिसकी वजह से लुधियाना जैसे बड़े शहर में मेट्रो के प्रोजेक्ट को कैंसिल करना पड़ा। बाकी आप मेरी इस वीडियो के बारे में और इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप इस चैनल पे नए हो और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।